काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे वीडियो के अंदर कि ओल्ड बुलेट 350 कैसे खरीदे, अब न्यू बुलेट 350 जो आ चुकी है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ओल्ड बुलेट 350 ले सकते हैं बहुत ही आसानी से बिना किसी परेशानी के। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपको न्यू बुलेट 350 पसंद आई या फिर ओल्ड वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड बुलेट 350 किक से आपको ही पता लग जाएगा कि आपको ओल्ड बुलेट 50 देखने को मिलती है। लेजेंडरी बाइक है ऑल टुगेदर, बहुत ही अमेजिंग लुक के साथ आती है। आप देख सकते हैं कि कितनी प्रीमियम ये बाइक लगती है। एंड अब जो न्यू बुलेट 50 आ चुकी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो बुलेट 50 न्यू वाली यहाँ पर खड़ी है, तीन वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च हुई है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 2,62,000 रुपीज़, डेफिनेटली प्राइस काफ़ी डिसेंट है इसका, काफ़ी एक हायर रेंज में रखा गया है। बट प्रीमियमनेस भी बहुत ज़्यादा कर दी गई है इस बार। आपको जिस प्रकार से ग्लॉस के साथ मैट फिनिश देखने को मिलती है, साथ में आपको जो है कॉपर की स्ट्राइपिंग एंड एम्ब्रॉज लोगो कॉपर फिनिश के साथ देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें मिड वेरिएंट के बारे में, तो मिड वेरिएंट जो है वो काफ़ी कुछ बुलेट 50 स्टैंडर्ड जैसा देखने को मिलता है। इसमें बस चीज़ ये है कि इसका फ्यूल टैंक रखा गया है, एंड बाकी तो आपको बताइए पूरी बाइक ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी है। इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। बेस वेरिएंट यहाँ पर खड़ा है ब्लैक कलर के अंदर। बेस वेरिएंट में दो कलर्स आए हैं, ब्लैक एंड रेड। रेड कलर भी बहुत ही अमेजिंग लगता है, मैं आपको डेफिनेटली आगे वीडियोज़ में दिखाऊंगा। एंड ब्लैक कलर तो ऑल टुगेदर डिफरेंट लगता है। 2,14,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस आता है। मिड वेरिएंट जो उसका ऑन रोड प्राइस है 2,42,000 रुपीज़, और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का प्राइस है 2,62,000 रुपीज़। बुलेट 350 यहाँ पर कैसे लें, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो पहले आती थी, एक आप काम कर सकते हो शोरूम्स में, आप डेफिनेटली पता कर सकते हो बिकॉज शोरूम्स में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, लोगों ने बहुत ज़्यादा बुक भी कर रखी है यहाँ पर बुलेट 350, बिकॉज इतनी ज़्यादा डिमांड आजकल बढ़ गई है इस बाइक की बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूएशन। ये बाइक जो है डिसकंटिन्यू हो चुकी है, इसकी वजह से इस बाइक का प्राइस जो है वो आपको एक थोड़ा सा प्रीमियम में देखने को मिलेगा, बिकॉज लोगों ने क्या है खरीद खरीद कर रख ली है। बट आप शोरूम से अगर लोगे तो शोरूम से डेफिनेटली आपको जो है ऑन रोड प्राइस पर बाइक देखने को मिलेगी। कुछ इस प्रकार से बाइक आती है, आपको पता है यार लेजेंडरी बाइक है, किक स्टार्ट के साथ आती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टार्ट नहीं आता है। एंड अब जो नई बाइक है उसके अंदर इलेक्ट्रिक स्टार्ट आ चुका है, सो उसमें तो पूरी चेंज यहाँ पर कर दिया गया है बाइक में। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं ओल्ड बुलेट 50 से न्यू बुलेट 350 के अंदर। ब्रेक्स जो है चेंज हो चुके हैं, डुअल चैनल ईबीएस देखने को मिलता है मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट के अंदर। बेस वेरिएंट के अंदर जो है अभी भी सिंगल चैनल ईबीएस आता है बिकॉज पीछे ड्रम ब्रेक आता है। इंजन चेंज हो चुका है, क्लासिक 350 वाला इंजन आ चुका है इस बाइक के अंदर। लुक फ्रंट से मैं आपको दिखा दूं, बहुत डिफरेंट हो चुका है यहाँ पर बाइक के अंदर दोनों के अंदर। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज हो चुका है, पहले कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था, अब कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। ओवरऑल यहाँ पर सीट में डिफरेंस आ चुका है, यहाँ पर ओवरऑल हम बात करें रियर टायर में चेंज आ चुका है। रियर टायर जो है पहले अब जो है थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है पहले वाली से। एंड रियर टायर जो है आपको क्लासिक 50 जैसा ही देखने को मिलता है, टेल लाइट क्लासिक 50 जैसी देखने को मिलती है। बुलेट 50 में पहले कुछ इस प्रकार से टेल लाइट आती थी, इंडिकेटर्स बल्ब आते थे। सो ओवरऑल एक कंप्लीट न्यू बाइक लॉन्च कर दी गई है। इस बाइक का सबसे बड़ी खास बात यह है कि बाइक बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली और कंफर्टेबल हो चुकी है। जिनको यहाँ पर किक से स्टार्ट करना पसंद नहीं था वो सीधे यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक से स्टार्ट कर सकते हैं बाइक। एंड कुछ इस प्रकार से जो है आपको न्यू वेरिएंट देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पर ओल्ड बुलेट 50 जो है आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, शानदार इंजन आता है, इंजन आता था किक स्टार्ट वाला। एंड अब जो है किक कम्प्लीटली हट चुका है, सो डेफिनेटली अगर आपको किक वाली बाइक चाहिए तो आपको ओल्ड वाली ही खरीदनी पड़ेगी। यहाँ पर दो वेरिएंट आते थे, एक तो स्टैंडर्ड और एक इलेक्ट्रिक स्टार्ट। यहाँ पर स्टैंडर्ड ज़्यादा डिमांड में चलता था हमेशा से बिकॉज ऑफ द पिन स्ट्राइपिंग, एम्ब्रॉज लोगो, एंड यहाँ पर जो ओवरऑल एक जेन्यून रियल फील आती थी बाइक की वो, बिकॉज ये एक बहुत डिफरेंट फील होती थी बाइक ऑल टुगेदर बिकॉज किक से स्टार्ट करो। और इसमें जो एक तो थंप आता था वो बहुत शानदार आता था। इंजन जो है ये ओल्ड जनरेशन वाला है तो इसमें बैलेंसर शाफ्ट नहीं आता है, तो ये वाइब्रेट करता है इंजन, ज़्यादा वाइब्रेशन ज़्यादा रहते हैं इस बाइक के अंदर। तो एक जब आप बाइक चलाते थे ना तब आपको एक मज़ा आता था बाइक चलाते समय, अभी भी आता है डेफिनेटली नई वाली बाइक्स में, बट हाँ इस बाइक में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता था बिकॉज ये एक प्रॉपर फील देती थी आपको, एक कि आप लिटरली एक शानदार बुलेट चला रहे हो, जो बुलेट कहते हैं लोग वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। एंड डेफिनेटली आप शोरूम से जाके कॉल कर सकते हैं या फिर शोरूम से जाके बात कर सकते हैं। सो जिनके पास भी यहाँ पर स्टॉक अवेलेबल है उनसे आप खरीद सकते हैं अभी भी, बिकॉज अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग खरीद पा रहे हैं शोरूम के अंदर अवेलेबल हैं, बिकॉज जिन्होंने पहले मंगा के रख रखी है शोरूम्स में वो डेफिनेटली अब जो है कस्टमर्स को डिलीवर कर रहे हैं। सो अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर अगर किसी ने बुक नहीं कर रखी है शोरूम के अंदर, तो आप जाके बुक कर सकते हैं और अपने लिए एक न्यू यहाँ पर ओल्ड वाली बुलेट 50 ले सकते हैं। सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई आवर चांस आउट। अगर किसी की बुकिंग कैंसिल हो गई है तो आप ले सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी ये बाइक छोड़ेगा जिन्होंने बुक किए होगा, बिकॉज एक लेजेंडरी बाइक है लिटरली। मैं अगर होता तो मैं एक बाइक खरीद के अपने शोपीस की तरह रखता, बिकॉज आई रियली लव द ओवरऑल
एक्सपीरियंस दिस बाइक गिव्स वाइल्ड राइडिंग। सो कुछ इस प्रकार से आती है बुलेट 350। आपको कैसी लगी न्यू वाली बुलेट 350? क्या आपको ओल्ड बुलेट 350 पसंद थी? कमेंट सेक्शन में बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ लिख के आ रहा है थ्रॉटल को नहीं, बिजनेस चैनल। मिलते हैं आपसे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।